हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं रोविन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्काज़ार कैबरेट शो। जी हाँ, हमारा फर्स्ट डे था और हमने विजिट किया था अल्काज़ार शो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल कैबरेट शो आई हैव वॉच्ड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा क्या इसकी प्राइसिंग है, कैसे आप वहाँ पे जा सकते हो और कैसे विजिट कर सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले वीडियो देखो कि शो क्या है, देन उसके बारे में आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन बुक द टिकट्स एंड हाउ यू कैन विजिट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, अभी आपने जो वीडियो देखी है, सेम चीज़ मैं अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे क्या होता है। जब हमारा फर्स्ट डे था, जब फर्स्ट टाइम हम थाईलैंड गए, थाईलैंड सीधा पताया के अंदर हमने जो पहली चीज़ हमने देखी थी वो थी अल्काज़ार कैबरेट शो। ये एक कैबरे डांस शो होता है, पूरा ऐसे लगेगा जैसे आप किसी रियलिटी शो में आ गए हो। तो इस तरीके का ये शो था। सबसे पहले तो मैं इसको बता दूँ, इसमें जो शो की प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 500 to 600 थाई बात। जो एक थाई बात है वो अपने यहाँ इंडियन रुपीज़ के 2 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो अब आप उसके हिसाब से आइडिया लगा लेना कि कितने का पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1000 to 1200 के आसपास इसकी टिकट प्राइस पड़ती है, इंडियन रुपीज़ की अब बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो इसकी शो की टाइमिंग है वो 70 मिनट्स के आसपास है इसकी टाइमिंग है। इस शो के अंदर ओनली किन्नर्स जो हैं, लेडी बॉय, ट्रांसजेंडर, वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर पे, अलग अलग कंट्रीज़ के म्यूज़िक बाय म्यूज़िक दे एक्सप्रेस देयर कल्चर। सो और इस शो में जो है, जो हमने विजिट किया था वो इवनिंग रात के टाइम किया था। और इस शो में जब आप जाओगे तो एक वेलकम ड्रिंक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। ड्रिंक पियो, जाके वहाँ पे एंट्री करो और आराम से आप वहाँ पे बैठो। VIP सीट के लिए, जो VIP सीट जो आगे होती हैं बिल्कुल, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। वो आप वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके सारी चीज़ चेक कर सकते हो। जब भी आप पटाया जाओगे तो इसको यू डोंट मिस इट, क्योंकि यार ये एक वेरी इंटरेस्टिंग शो है उनका। इस शो के थ्रू वो बहुत सारी जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं उनकी, एशियन कंट्रीज, उनका कल्चर एक्सप्रेस करते हैं। और जो ट्रांसजेंडर परफॉर्म करते हैं, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि कोई लेडीज़ परफॉर्मिंग और a lady boy is performing, so this is the big difference I have seen by myself there. तो जब आप ये चीज़ देखोगे तो इस चीज़ को आप enjoy करना। families बहुत सारी जाती हैं, बहुत सारी countries के लोग वहाँ पर आते हैं। और timing and other things you can visit the website. तो Delhi से हमारी flight थी और वो flight ने लिया almost 3:30 to 4 hours, 4 घंटे लगे हमें Bangkok पहुँचने में। और जैसे हम Bangkok पहुँचे तो वहाँ से, जैसे कि वीज़ा ऑन अराइवल था उस टाइम पे भी, अभी भी है अभी, मतलब राइट नाउ द सिचुएशन इज़ बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बट उस टाइम पे वीज़ा ऑन अराइवल था। और जैसे हमने वीज़ा ऑन अराइवल लिया, हमने एग्ज़िट किया और जब हम अपने होटल पहुँचे, क्योंकि जो बैंकॉक का एयरपोर्ट है वहाँ से हम सीधे गए पटाया। पटाया के अंदर ये जो अल्काज़ार शो होता है, इसकी टाइमिंग थी वहाँ के हिसाब से 7 PM। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहुँचते ही हमारे पास, क्योंकि हमारा पूरा पैकेज हमने लिया हुआ था कंपनी से, ट्रैवल कंपनी से, तो उसके हिसाब से हमें रात को ही वो विज़िट करना था। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हम जल्दी से रेडी हुए होटल में जाने के बाद, और इंस्टेंटली उन्होंने फिर हमें गाड़ी आगे होटल के अंदर, और तब हम अपना अल्काज़ार शो देखने चले गए। तो अल्काज़ार शो जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले मैं इस शो के बारे में बता देता हूँ। ये शो एक इकलौता किन्नर शो है पटाया के अंदर। और इस शो में जो एंट्री होती है वो है 500 इंडियन रुपीज़ की, मैं बात कर रहा हूँ 500 इंडियन रुपीज़ के चार्जेस हैं। और जब भी आप पटाया जाओ तो ये शो देखना इसलिए बनता है क्योंकि इस शो के अंदर जो जितने भी किन्नर हैं वो परफॉर्म करते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रियलिटी शो आप देख रहे हो, या फिर किसी थिएटर के अंदर आप बैठे हो उस टाइम पे। और वहाँ पे जो वो कल्चर पूरे जो 7 और 11 कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़,
उनका कल्चर वो वहाँ पे दिखाते हैं बाय डांस, इन द फॉर्म ऑफ डांस दे परफॉर्म अदर चाइना, जापान, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया और इंडिया, यू नो, सबके सबके अलग अलग गानों पे वो परफॉर्म करते हैं किन्नर, और सबकी अलग अलग कल्चर को वो दिखाते हैं उस म्यूज़िक के थ्रू, उस डांस के थ्रू। तो वो मुझे चीज़ एक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब भी आप जाओ तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने ट्रैवल आइटनरी में ऐड करना। अल्काज़ार शो जब आप जाओगे तो सबसे पहले वो आपको वेलकम ड्रिंक से वेलकम करते हैं। वेलकम ड्रिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई इस तरीके की, बट वो है कि आपके टिकट में इंक्लूड होता है, बट दे से इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जब वहाँ पे जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके बाद जाके जो आप पूरा जो अंदर से उनका होता है एकदम थिएटर की तरह होता है, आपको लगेगा कि हाँ यार आप रियल में कोई मूवी चल रही है आगे, या फिर कोई गाना मूवी का चल रहा है, तो इस तरीके से आप फील करोगे हाँ यार कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग शो। जब भी आप, बहुत सारे कपल्स, हनीमून कपल्स वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारी फैमिली भी वहाँ पे जाती है वो शो देखने के लिए। तो जब भी उस आप पटाया जाओगे तो अल्काज़ार शो में ज़रूर जाना, क्योंकि इसमें वो जब आप इंडियन, जो बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे होते हैं, ठीक है, जब इंडियन सॉन्ग या फिर इंडियन कल्चर की वो बात करते हैं, इंडियन सॉन्ग प्ले करते हैं, किन्नर्स उस पर परफॉर्म करते हैं, तो वो यार देखने लायक चीज़ है। किसी दूसरी कंट्री में जब आप जाते हो और वहाँ पे जाके जब वो आप अपने कल्चर को, अपने गानों को सुनते हो, जब दूसरी कंट्री के लोग उस पर डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज़ द मोमेंट यू विल फील सो ग्रेट, ठीक है। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप वहाँ पे जाओगे तो इस चीज़ को आप डोंट मिस इट, ऑलराइट। तो अब मैं इसके टाइमिंग और उसके प्राइसिंग के लिए, आप ऑनलाइन भी इसको बुक कर सकते हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप इसकी टाइमिंग और सारी चीज़ें आप उस पर वहाँ पर देख सकते हो, और वहाँ पर जब आप देखोगे तो ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पर जाके ही आप इसको बुक करो, या फिर ऑलरेडी भी आप कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। 500 इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये उसके चार्जेस थे उस टाइम पर, बट राइट नाउ आप वेबसाइट विजिट करो, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग। बट जैसे कि आपको पता है कि अभी ट्रैवल बंद है, ट्रैवल बैन है, तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आफ्टर कोविड जब भी आप ट्रिप प्लान करोगे, सो प्लीज़ ऐड दिस इन योर आइटनरी, क्योंकि इस शो के अंदर आप फैमिली भी जा सकती है, आप हनीमून कपल भी बहुत सारे जाते हैं, इंडियंस भी बहुत सारे जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी बहुत सारे आते हैं, तो वहाँ पे जाके जब पूरा जो माहौल होता है सो इंटरेस्टिंग, सो ब्यूटीफुल, यू नो, इसी चीज़ के लिए, इसी सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है अल्काज़ार शो की। तो जब आप जाओगे तो यहाँ पे इसको जरूर आप प्लान करना। हाँ, तो फ्रेंड्स, आफ्टर कोविड जब भी आप ट्रिप प्लान करोगे थाईलैंड के लिए, बैंकॉक के लिए, पटाया के लिए, तो वो सारी सीरीज़ मैं भी चला रहा हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा कि कैसे आप वहाँ पर जा सकते हो सस्ते में, जो चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि यार हमने जब हम वहाँ पे गए थे तो हमने जो पूरा पैकेज लिया था और वो हमें पड़ा था बहुत ज़्यादा। एंड में मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा कि जो ट्रैवल कंपनीज है वो कितना चार्ज करती हैं, जो सेल्फ अगर आप ट्रिप प्लान करोगे तो कितना बड़ा डिफरेंस इसमें आपको मिलेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ पूरी की पूरी इस ट्रिप के ऊपर, कि कैसे आप अपनी इस ट्रिप को प्लान कर सकते हो सस्ते में और बढ़िया और सेफ। सारी चीज़ें मैं आपको इसमें वन बाय वन बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारा फर्स्ट डे था, हमने अल्काज़ार शो किया, क्योंकि हम लेट नाइट वहाँ पे पहुँचे थे, तो जाते ही हमने फिर ये शो विजिट किया। जब हम वापस आए तो इट वॉज़ लाइक अराउंड 11, सो इट वॉज़ टू लेट। और जो सेकंड डे था, उसके बाद जो सेकंड डे था हमने, उसमें हमने जो कोल आइलैंड किया और थोड़ा सा लोकल ट्रैवल किया, तो वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।